जिस हिसाब से मैंने प्रोग्राम का आउटलाइन बताया था उस हिसाब से आई एम श्योर कि आप लोगों ने फायदा उठाया था, स्पेशली जो स्कीम्स के बारे में, स्कॉलरशिप के बारे में। ये बात मैंने भी ऑब्जर्व, इवन यूपीएससी की तैयारी भी सारी स्कॉलरशिप के बेसिस पे की है। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप है, अलग अलग फाउंडेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट के साथ साथ में, जिसका फायदा उठा सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोर्स करियर परस्यू करना है। तो उसके लिए प्रोफेसर आपका बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया बिकॉज, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप एक फॉर्मेट में या फिर छोटा सा वीडियो बना के या फिर पीडीएफ टाइप बना के, एक व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट टाइप बना के आप प्लीज़ शेयर कीजिए, सो दैट यहाँ पे जितने बच्चे उनके साथ में बाकी भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के स्पेशली उनको पता चले सारी चीज़ें। एनवाईके की तरफ से ये यूथ पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। पार्लियामेंट का मतलब आपको पता है, हम अगर देखते हैं हमें सिर्फ इंडियन पार्लियामेंट की हम बात करते हैं, बट पार्लियामेंट ग्राउंड लेवल से भी शुरू होता है। अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम सभा जो एक पार्लियामेंट है, काउंसिल हमारी पार्लियामेंट है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, फिर स्टेट लेवल पे असेंबली होती है आपकी, नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का एक बेसिक नेचर होता है, बेसिक फंक्शन होता है कि डिलीबरेशन डिस्कशन करके जो भी, जैसे नेशनल पार्लियामेंट अगर डिस्कस करेगी तो नेशनल लेवल पे कौन सी पॉलिसीज आनी चाहिए, कौन सी स्कीम्स आनी चाहिए और किस तरह से हम नेशन को आगे फॉरवर्ड लेके जाएंगे उसके बारे में चर्चा होती है। तो डेलिबरेशन डिस्कशन सो दैट एक आवाम को, एक जनरल पब्लिक को उस चीज़ का फायदा हो। आप सब सारे यूथ यहाँ पे है, हम सब बोलते हैं कि 21% पॉपुलेशन जो है वर्किंग एज ग्रुप में है, और वर्किंग एज ग्रुप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे जाना है या बाकी वाले सेक्टर्स में भी आगे जाना है, तो जो वर्किंग एज ग्रुप का पॉपुलेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब आपका ह्यूमन रिसोर्स बहुत अच्छा होगा उसी हिसाब से आप आगे प्रोग्रेस करोगे। चाइना की हम बात करते हैं, चाइना की लास्ट सेंचुरी थी, बट चाइना में हम देखते हैं कि एजेड पॉपुलेशन बढ़ गया है, जापान में देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, बट इंडिया है जो यंग कंट्री है अभी। और अगर हमें देश को आगे लेके जाना है तो हमारा जो युवा है, यूथ है, उन सब का कंट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हम देखें यहाँ पे मैक्सिमम लोग जहाँ यहाँ पे मैं देखता हूँ कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तरफ आकर्षित है, इवन उनको बाकी एवेन्यूज नहीं पता, बाकी सारी सेक्टर्स नहीं पता है जहाँ पे वो अपना करियर डेवलप कर सकते हैं या फिर अपने आप को इकोनॉमिकली प्रॉस्परस बना सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि सिर्फ एक ही जगह पे आप डिपेंडेंट मत रहिए। ऑब्वियसली एक ज़माना था जब सारे के सारे लोग गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट होते थे, बट अगर आपका स्किल सेट अच्छा है, अगर आप हार्डवर्किंग है, तो आपको प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, आप खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हो। अगर हम नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट की बात करते तो बहुत सारे लोगों ने सक्सेसफुल बिजनेस एस्टैब्लिश किया, एंटरप्रेन्योरशिप में गए हैं और उनका बहुत ही अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि करगिल की यूथ को भी ये सारी चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हम इन सब चीज़ों से पीछे रहते जा रहे हैं। और अगर हमें एक बस और एक ट्रेन छूट गई तो आप सबको हरजाना पड़ना पड़ेगा, इवन पूरी सोसाइटी को हरजाना पड़ना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि हमारे जो यूथ है इस वाले ट्रेन से और इस बस को मिस कर जाए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी बिकॉज आप सारे एजुकेटेड हैं, आप सारे इंटरनेट चलाना जानते हैं, तो जो सोशल मीडिया है उस पर सिर्फ टिकटॉक के वीडियोज या इंस्टाग्राम के रील्स मत देखते रहिए, इन सारी चीज़ों में भी इसके यूज में करिए। सारे के सारे मैक्सिमम लोग मुझे जो भी हमारे पास मीन्स है उसका मैक्सिमम यूज हमारी खुद के डेवलपमेंट के लिए कैसे किया जाए इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं भी मेरे कॉलेज के टाइम पे या प्रिपरेशन के टाइम पे इन सब में उलझा रहता तो शायद आपके सामने यहाँ पे नहीं रहता, बट यही है कि आपको देखना पड़ेगा हर चीज़ को। मैं आपको टोटली बैन करने के लिए बोल रहा हूँ, बट इसमें सारी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है वो आपको ढूंढनी पड़ेगी, और अगर आप ढूंढोगे तभी आप इकोनॉमिकली और प्रॉस्परस हो पाओगे। और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ही अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए सबको। आपने आप सारे मूवीज देखते हो, शाहरुख खान की एक बात सुनी होगी आपने, उसको कोई जर्नलिस्ट पूछता है कि आप फिलोसोफर जैसी बातें क्यों नहीं करते हो, उसने पहले बोला है कि यार पहले खुद अमीर तो बन जाओ उसके बाद फिलोसॉफी वाली बात करोगे। कोई भी गरीब की फिलोसॉफी वाली बात कोई नहीं सुनेगा, ये आप देख लीजिए। जितनी भी फिलोसॉफी वाली बातें होती है वो हमेशा जो भी बड़ा बंदा बन जाता है, पॉलिटिकली हो, इकोनॉमिकली हो, जो एक लेवल पे पहुंच जाते हैं उसके बाद उसकी सारी बातें हमको लगता है कि कितना अच्छा बोल रहा है, और उससे भी कोई अच्छी बात कोई जूनियर लेवल का बंदा या फिर कोई थोड़ा गरीब बंदा बोलेगा तो उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, दुनिया के तौर तरीके समझने पड़ेंगे। युवा लोग, युवा शक्ति जो आपका एज ग्रुप है, स्पेशली 20 से लेकर 35 वाला जो एज ग्रुप होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको प्लीज़ ऐसे ही ज़ाया मत कीजिए, खुद को डेवलप कीजिए सो दैट आपकी वजह से हमारे देश की तरक्की हो।
देश की तरक्की तभी होगी जब हमारा पॉपुलेशन, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, वो ठीक से काम करेगा और देश की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन करेगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट करिए, ऑब्वियसली आप सारे लोगों ने इन चीज़ों को समझा होगा आज के जो सेशन था, और आने वाले समय में भी हम भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक तो करियर गाइडेंस वाला हम प्रोग्राम अच्छे से शुरू करना चाहते हैं, जिसमें आपको एटलीस्ट पता चले, स्पेशली जो 10th और 12th के बाद में बच्चे होते हैं कि आगे जाके करियर कौन सा चूज करना है, कौन सी चीज़ों में ज़्यादा प्रॉस्पेक्ट्स है और दुनिया किस तरफ प्रोग्रेस कर रही है, उसके लिए हम अलग अलग सेशन रखेंगे। दूसरा जो स्कीम्स के बारे में मैंने कहा, हम बहुत सारी नई स्कीम्स लेके आना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, जिससे आप सबका फायदा हो। स्पेशली मेरे पास बड़े सारे बच्चे आते हैं, किसी के पास लैपटॉप नहीं होता, किसी के पास पढ़ने के लिए और सारी चीज़ें नहीं होती, हम उस टाइप की कुछ कुछ स्कीम्स लेके आने वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सो दैट स्पेशली हमारा जो युवा है उनको फायदा हो। और गर्ल्स स्टूडेंट से मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ अपने आप को किसी से भी कमज़ोर, किसी से भी कम बिल्कुल मत समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन आपको इक्वालिटी के राइट देता है और आप जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना आप ज़्यादा आगे बढ़ोगे, इवन बॉयज से बहुत आगे बढ़ोगे, आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आप अपने आप को बिल्कुल कम मत समझिए किसी से, आप सब इक्वालिटी, इवन उनसे बेहतर काम कर सकते हो। तो मेरी तरफ से तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बेस्ट विशेज कि आप आने वाले फ्यूचर में, अपने आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और आउटशाइन करें सबको, सो दैट ये लद्दाख पूरा रीजन आप पे फख्र करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। डिप्टी कमिश्नर कारगिल जिला में संतोष सुखदेव साहब, डॉक्टर जावेद साहब, एडवोकेट जाहिद साहब, मैम राजिया, बाकी मैम साहिबान, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। सब कृष्ण लाना नेहरू युवा केंद्र संगठन करगिल बरादर अजीज आगा सज्जाद साहब ना कोई टीम नहीं बहुत मशहूर कि यहाँ रिस्पति करगिल ना कोई यौम व्यक्ति ना की जनरेशन खास कर रहा सारा मौका था सजाता है वो हम ख्याल जाते पूरे दिया अंतिस्पति ख्याल हम जाते थी जो यहाँ मौका था नेहरू युवा केंद्र संगठन ना बहुत मशहूर हुआ, शुक्रिया अदा है। वक्त मोहम्मद सिंह लेकिन माफी तलब वाले की नेता मीटिंग से कतले किनारा सज्जा नहीं बुंगा कॉन्टेक्ट है लेकिन की 11 बजे टाइम था उसका लिहाजा कुछ मीटिंग की वजूहत नेता ने दिया वक्त का भले जनता में हमें कहना आज माफी तलब दे दें लिहाजा ना शॉर्ट टाइम में उन्होंने दिया सवाल क्वेश्चन छे जो तो मामू वक्त में भी जानती कयासी के जरना अंदाजे के जरना यंती फिलाजी प्रोग्राम को गर्ल्स ऑफ सिया ऑर्गेनाइज दर्शन को मैं महसूस बस जान नहीं हूँ मैं 10 मिनट के अपना काउंसलर इस क्वेश्चन का तो ना जान एरेस बस जरूर यंती मकसद की है जो यानी स्टूडेंट जी के सवाल हम बस कि ना थेतुम छे थेतुम छा जो बिंदु कि क्वेश्चन बिंदु कि ना जुल दान होगा एल दान जरूर लेकिन ना ए जो पोलिटिकल रीजन में कहता हूँ ना तो सियासत आना जाओ सचिन दे थेतुम छा ने कहता हूँ ना हराई छे थेतुम सोचो ने कहता हूँ ना हराई छे अगर निये मकसद को नरा गया चिन जर की ना पूरा मकसद को रोने का तो निये को अपने का तो जरूर कर गया चिन दो ये यानी यारा थे तुम बचा ये तो कॉन्फिडेंट ऊपर बचा जी ना अबे कोई किसी के सवाल कर ले दे हिसाब अगर गरीब ऐसा ऐसा बन गरी वो गरीब समझो नहीं अंतर सापे जा सिंह चाहे निये जर भी मकसद पे दिन सवाल से चेस भी हम थे तुम मिलोस पर बचा जी सवाल ना कुल्ली संसिल पर बोस सवाल ना डॉक्टर संसिल पर बोस सवाल ना इंजीनियर संसिल पर बोस सवाल काम ही फिलहाल सिल्वर बोस लेकिन एम चेक जरूर नहीं होता सिंह नरम पायलट दनो नरम कुल्ली दनो नरम डॉक्टर दनो कठन पे एम तो जरूर लेकिन सवा कुल्ली फिलहाल जरूरी सवा पायलट फिलहाल जरूरी सवा आगाम जरूरी सवा आखन नाम जरूरी सवा शेख जरूरी सवा डीसी जरूरी सवा गांव जरूरी लिहाजा सवाब में इतना कहते हैं नता क्या मिलते सवाब को राय बिला अहमियत दी यानी मकसद को खुरा चीशी घरी हिसाब एस यानी एम को खुरा चीशी लिहाजा देख रहे हैं वक्त नॉर्मल इन्वेस्ट जी प्रोग्राम को ना मुबारकबाद नेहरू युवा केंद्र संगठन टीम ना आगा साहेबा जो जो प्रोग्राम हिंद ने एंटे हर गांव ना विलेज में जो एज ए काउंसलर ना में एंटी अकोमोडेशन खुलवा तैयार है क्या फोन या अपॉर्चुनिटी खिला मतलब दो दो सेवा में मतलब हर काउंसलर मतलब गाना तैयार है लिहाजा जनता मिसाल हम करते हैं इसमें जिसी साइड से हम बमुन कभी की मिसाल ना जिदुन पलियत पना जरमी की नती मैम राजिया जो को या मेरे नदी के जिसको थों जो को होदे चलते डिस्ट्रिक्ट लेवल या आपसे करते दुल लजिशो जनता छाने नियंचे तो दे जो जनता बमुन निकले फाखरे कि फाखरे करिए इन फाखरे लदाख की हाँ यंता जो लास्ट से यंता कभी पीछे मिलोस्पर गोचर जिन यंता गांव से एज ए काउंसलिंग यता सपोर्ट करना एज ए काउंसलर ए सपोर्ट करना गॉड ऑफ सी दिक्कत छना जरूर नतम नियम बशियर बचा इंशाल्लाह करके काउंसलर नतम नियम बसात काम तैयार हो वक्त मंगोले में वसलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
प्लीज स्टेज पर आइए मोमेंटो रिसीव करने के लिए। वुमेन साइंटिस्ट जो है उन्होंने भी एक खूबसूरत प्रेजेंटेशन यहाँ दिया एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ पर और हमारे यहाँ क्या क्या एग्रीकल्चरल अपॉर्चुनिटीज़ है और उसमें बहुत अच्छा एक प्रेजेंटेशन था इनका। मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर लेबर मिस रजिया खातून बहुत देर से यहाँ बैठी हुई है। सारे रिसोर्स पर्सन को सुना उन्होंने इनक्रेज किया। आपका भी बहुत बहुत तह दिल से शुक्रगुजार हूँ मैम। डॉक्टर जावेद नकवी साहब असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज करगिल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सईद अब्बास साहब हाई लेवल एग्जीक्यूटिव काउंसिलर तथा रुकना मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल पार्टी से हमारे